हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं मेगा कंपैरिजन, जो कि तीन फोन्स के बीच में होने वाला है। यहां पे एक फोन है नया बीच वाला, यानी कि Redmi Note 6 Pro। ये कंपेयर होगा Redmi Note 5 Pro से और साथ ही साथ ये दोनों फोन कंपेयर होंगे Honor 8X। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तीनों फोन काफी कुछ सिमिलर है प्राइस पॉइंट में, एक दूसरे के आसपास है। तो यहां पे कौन सा फोन आपके लिए बेहतर है, कैमरा के हिसाब से कौन सा फोन अच्छा है, डिस्प्ले के हिसाब से कैसा अच्छा है, किसकी बिल्ड क्वालिटी बेहतर है, कौन लुक एंड फील में बेहतर है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा और इसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे इन तीनों में से कोई एक फोन। अगर आप कोई और कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम वो कंपैरिजन भी आप लोगों के लिए बना दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां पे कंपैरिजन को Redmi Note 5 Pro, जो कि यहां पे है, और उसके बाद है Redmi Note 6 Pro और उसके बाद है Honor 8X। ये तीनों ही फोन काफी एक दूसरे से कंपीट करते हैं प्राइस के हिसाब से। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इन तीनों फोन्स की बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की मिलती है आपको यहां पे Redmi Note 5 Pro में। Note 6 Pro में बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल वैसी ही मिलती है जैसी आपको मिल रही है Note 5 Pro में, और यहाँ पे Honor 8X ऐसा है जिसके अंदर आपको ग्लास बैक मिलता है, जबकि ये दोनों पुराने मेटल बैक के साथ आते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि बिल्ड क्वालिटी में दोनों इक्वल हैं, लेकिन लुक एंड फील में डेफिनेटली ये इतने अच्छे नहीं है, जबकि Honor 8X यहाँ पे ग्लास बैक के साथ आता है और बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पे ये फोन बहुत ही बढ़िया है। Honor 8X डेफिनेटली यहाँ पे बाजी मार जाता है इन तीनों फोन्स के कंपैरिजन में। और यहाँ पे मैं सेकंड नंबर पे Redmi Note 6 Pro को रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे डिजाइन थोड़ा सा और बेहतर हुआ है। अब बात करते हैं तीनों फोन्स के डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का डिस्प्ले मिलता है आपको Redmi Note 5 Pro में, फिर आपको यहाँ पे ऐसा डिस्प्ले मिलता है Redmi Note 6 Pro में, और फिर मिलता है आपको एक कलरफुल डिस्प्ले जो कि यहाँ पे मिल रहा है आपको Honor 8X में। और डिस्प्ले कंपैरिजन में आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि किस तरह से डिस्प्ले के कलर्स यहाँ पे अच्छे हैं। Redmi Note 5 Pro का डिस्प्ले यहाँ पे सबसे नीचे आ जाता है कलर्स वगैरह के मामले में, ब्राइटनेस के मामले में ये कम है। Redmi Note 6 Pro में आपको फिर भी बेहतर क्वालिटी का डिस्प्ले मिल रहा है, ना सिर्फ यहाँ पे नॉच वाला डिस्प्ले है, साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले अच्छा है, कलर्स भी यहाँ पे अच्छे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप कंपैरिजन के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से कलर्स यहाँ पे फर्क पड़ रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि डिस्प्ले के हिसाब से देखा जाए तो पहले नंबर पे Redmi Note 6 Pro मैं यहाँ पे रखूंगा, सेकंड नंबर पे Honor 8X मैं यहाँ पे रखूंगा क्लैरिटी के हिसाब से, कलर्स के हिसाब से, और तीसरे नंबर पे आएगा Redmi Note 5 Pro। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले कंपेयर होता है। अगर हम बात करें हार्डवेयर की तो स्नैपड्रैगन 636 मिलता है आपको यहाँ पे Redmi Note 5 Pro में, 636 यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है क्रिम 710। और प्रोसेसिंग पावर की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलती है क्रिम 710 के साथ Honor 8X में, क्योंकि ये डेफिनेटली परफॉर्मेंस वाइज 636 से ऊपर है। तो परफॉर्मेंस वाइज तो टॉप नॉच की परफॉर्मेंस आपको Honor 8X में मिल जाती है। कस्टम UI यहाँ भी मिलता है, कस्टम UI यहाँ पे भी है, कस्टम UI यहाँ पे भी है। तो ओवरऑल मैं सेकंड नंबर पे रखूंगा Redmi Note 6 Pro को, पहले नंबर पे परफॉर्मेंस में रहेगा Honor 8X और तीसरे नंबर पे रहेगा यहाँ पे Redmi Note 5 Pro। अब बात करते हैं कैमरा कंपैरिजन की, और यहाँ पे हमने कैमरा सैंपल्स लिए हैं तीनों ही फोन्स में, तो आप उनको देख सकते हैं कि किस तरह से वो कैमरा सैंपल जो है कंपेयर होते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की कैमरा क्लैरिटी मिल जाती है आपको तीनों फोन्स में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लैरिटी फेस की अच्छी है, Redmi Note 6 Pro में भी क्लैरिटी अच्छी है और यहाँ पे भी क्लैरिटी अच्छी है। हालांकि जो बुके इफेक्ट है वो सबसे अच्छा जो है यहाँ पे, मुझे मैं कह सकता हूँ कि बेहतर बुके इफेक्ट और बेहतर क्लैरिटी Redmi Note 6 Pro में मिल रही है, जबकि यहाँ पे भी बुके अच्छा है लेकिन फेस उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, जबकि Redmi Note 6 Pro में फेस की क्लैरिटी थोड़ी सी बेहतर है। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस फोटो की तो फेस इसमें सबसे ज़्यादा क्लियर है, लेकिन यहाँ पे बुके इफेक्ट जो है आपको नहीं मिल रहा है। तो मैं कहूँगा कि कैमरा वाइज काफ़ी कुछ ये डिवाइसेज जो हैं आसपास आ जाते हैं। अगर क्रिस्प क्लियर फोटो की बात करूँ तो सबसे अच्छी फोटो क्रिस्प एंड क्लैरिटी के हिसाब से यहाँ पे Honor 8X मिल रही है, सेकंड नंबर पे Redmi Note 6 Pro है और तीसरे नंबर पे Redmi Note 5 Pro यहाँ पे आ जाता है। अब कुछ और फोटोज यहाँ पे चेक करके आपको दिखा देते हैं कि किस तरह की क्लैरिटी आपको मिलती है। तो कुछ इस तरह से बुके इफेक्ट मिलता है आपको तीनों फोन्स के फोटो में रियर कैमरा से। और सबसे बढ़िया फोटो अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे सबसे अच्छी फोटो मुझे यहाँ पे Honor 8X की लग रही है, उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं रखूँगा Redmi Note 6 Pro और तीसरे नंबर पे है Redmi Note 5 Pro। तो कैमरा में डेफिनेटली Redmi Note 6 Pro में इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और अगर आप जूम इन करेंगे तो फेस की क्लैरिटी यहाँ पे मिल रही है आपको, फेस की क्लैरिटी यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, और यहाँ पे ये फोटो कंपैरेटिवली उतनी अच्छी नहीं है। तो Redmi Note 6 Pro का कैमरा डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, लेकिन कैमरा में दोनों ही 19-20 हो जाते हैं Honor 8X
और Redmi Note 6 Pro तो काफी कुछ जो है आसपास आ जाते हैं। बैटरी कंपैरिजन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है Redmi Note 5 Pro में, फिर सेकंड नंबर पे यहाँ पे Redmi Note 6 Pro में भी 4000 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि Honor 8X में आपको थोड़ी सी छोटी बैटरी मिलती है और डिस्प्ले यहाँ पे बड़ा मिल जाता है। तो ओवरऑल यूसेज के हिसाब से देखा गया है, जिस तरह के हमारे रिजल्ट आए हैं यहाँ पे, तो बैटरी बैकअप में डेफिनेटली Redmi Note 6 Pro और Note 5 Pro बेहतर बैटरी बैकअप दे देते हैं, जबकि यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है उतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी एक दिन आराम से ये तीनों ही फोन चल जाते हैं तो उस केस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बड़ी बैटरी आपको तीनों ही फोन में मिल जाती है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे अगर आप लुक एंड फील परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो Honor 8X आपके लिए बेहतर चॉइस हो जाएगा। अगर आपको डिस्प्ले और कैमरा चाहिए अच्छा, तो उस केस में आप Note 6 Pro भी ले सकते हैं, और Redmi Note 5 Pro कहीं ना कहीं इस कंपैरिजन के अंदर पीछे रह जाता है। तो ऐसे में अगर आप देखें प्राइस, तो प्राइस के हिसाब से Redmi Note 6 Pro उसी प्राइस में ऑलमोस्ट मिल जाएगा आपको, जिस प्राइस में Redmi Note 5 Pro कभी मिलता था। और यहाँ पे आपको बेहतर डिस्प्ले भी मिल रहा है, क्लैरिटी भी अच्छी मिल रही है, डिस्प्ले के अंदर ब्राइटनेस भी अच्छी मिल रही है। लेकिन अगर आपको लुक एंड फील में शानदार वाला फोन चाहिए और परफॉर्मेंस और भी बेहतर चाहिए, तो उस केस में आपको Honor 8X लेना चाहिए। तो कुछ इस तरह से यह कंपैरिजन, आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन तीनों फोन्स के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।